सो हेलो एवरीवन, ये होने वाला है पार्ट टू, जहाँ पर मैं कृष्णा जी के लिप्स, ईयर एंड हेयर पार्ट को कवर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने लिप्स में रेड कलर किया है एंड देन ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रही हूँ। एंड देन वाटर की हेल्प से जो ब्लैक आउटलाइन करी है, मैं उसे रेड कलर में ब्लेंड करने का कोशिश कर रही हूँ, जिससे थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट लगे। एंड अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है, जहाँ पर मैंने फेस शेडिंग ट्यूटोरियल दिया है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप जाके देख सकते हो। वो वहाँ पर मैंने काफी सारे टेक्निक बताए हैं कैसे आप रियलिस्टिक फेस बना सकते हो, ऐसे ही स्मूथ शेडिंग क्रिएट कर सकते हो सिर्फ पोस्टर कलर से। तो यहाँ पर मैं व्हाइट पेंट से अब हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है हाइलाइट्स ऐड करने चाहिए, वहाँ वहाँ मैं हाइलाइट्स ऐड करते जा रही हूँ। और बस अब हमारा लिप्स पोर्शन कंप्लीट होने ही वाला है। तो अब बारी श्री कृष्ण जो नथ पहने हैं वो पेंट करने की। तो यहाँ पर पहले मैंने व्हाइट कलर से पेंट किया एंड देन ब्लू कलर से कुछ सर्कल्स बनाए। एंड यहाँ ब्लू मैंने कोबाल्ट ब्लू हुई यूज किया है। और अब जो यहाँ मैं गोल्डन कलर यूज कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैं गोल्डन कलर की डॉट्स बनाने वाली हूँ लार्ज। तो मैंने इसके लिए कॉटन बट का हेल्प लिया है ताकि अच्छे से बन जाए। एंड यहाँ पर मैं डॉट्स के बाहर ब्लैक कलर से आउटलाइन बना रही हूँ, जिससे जो नथ है वो और अच्छा दिखे। एंड ब्लैक आउटलाइन के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़े से फ्लोरल पैटर्न्स बनाऊंगी, जिससे जो हमारा नथ है वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर व्हाइट ब्लू शेड के ऊपर कर रही हूँ, ब्लू और ब्लैक के ऊपर, तो मुझे मल्टीपल लेयर्स अप्लाई करनी पड़ेंगी व्हाइट की थोड़ी सी, जिससे थोड़ा अच्छे से दिखे व्हाइट कलर। क्योंकि एक बार व्हाइट करने से ना केवल ग्रे स्टोन आ रहा है वो, तो दोबारा व्हाइट करने से एकदम व्हाइट आ रहा है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से व्हाइट डॉट्स बनाए हैं एंड उसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक और गोल्डन से हाइलाइट्स ऐड किए हैं, जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो। एंड अब यहाँ पर मैं फ्लोरल पेटल्स के बीच बीच में डॉट्स रख रही हूँ व्हाइट कलर की। एंड सेंटर में व्हाइट कलर के हाइलाइट्स दिए मैंने थोड़े से। एंड नोज में व्हाइट कलर से लॉन्ग बनाया। और अब बारी आती है ईयर्स की। तो यहाँ पर पहले मैं कोबाल्ट ब्लू हुई यूज कर रही हूँ एंड ब्रश को हम यहाँ काफी यूज करेंगे। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा ब्लैक कलर से हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ एंड जहाँ जहाँ जरूरत है रेफरेंस को देखते हुए, वहाँ वहाँ मैं ब्लैक और रेड को मिलाकर ब्लेंड कर रही हूँ। तो काफी सिंपल टेक्निक है। एंड दोनों कलर्स को ब्लेंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा वाटर भी यूज किया था, बट काफी कम अमाउंट में। तो यहाँ पर देखते हुए जहाँ मुझे जरूरत लग रहा है रेफरेंस को, वहाँ पर मैंने व्हाइट कलर से हाइलाइट ऐड किया है। तो अब बारी आती है कृष्णा जी जो बालियाँ पहने हैं उसकी, हम उसे कैसे पेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेयर व्हाइट कलर दिए है एंड उसके ऊपर ब्राउन कलर से पैटर्न बनाए है एंड ब्लेंडिंग करी है। एंड ब्राउन के ऊपर ही मैंने येलो आकर की लेयर ऐड करी है एंड उसके बाद व्हाइट कलर से थोड़ी सी लाइनिंग बनाई है उसके ऊपर ही। एंड देन वाटर की हेल्प से थोड़ा सा मैंने उन तीनों कलर्स को मर्ज करने का ट्राई किया है एंड देन व्हाइट कलर से अगेन पैटर्न्स बनाए हैं। एंड अब मैं सेंटर में येलो कर्व की लाइन दे रही हूँ एंड देन ब्राउन कलर किया है एंड देन व्हाइट कलर किया है एंड देन दोबारा से मैंने वाटर की हेल्प से उसे ब्लेंड करने का ट्राई किया है। एंड सेंटर में फिर मैंने रेड एंड ब्राउन कलर से सर्कल्स बना दिए है। एंड नीचे वाले पार्ट में मैं दोबारा से व्हाइट लेयर एड कर रही हूँ फर्स्ट लेयर, उसके बाद मैं ब्राउन कलर की तीन लाइनिंग बनाई हूँ एंड देन येलो ऑकर का यूज किया है मैंने। एंड उसके बाद मैंने येलो ऑकर में थोड़ा सा ब्राउन कलर एंड व्हाइट कलर का यूज किया है एंड तीनों को ब्लेंड करने की कोशिश की है। व्हाइट कलर से मैंने यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग ऐड करी है। तो बस जितना हो सके रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करते जाना है एंड काम करना है। जितना अच्छे से हम ऑब्जर्व करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ पर मैं येलो ऑकर यूज कर रही हूँ एंड उसमें थोड़ा सा व्हाइट ऐड करके ब्लेंड किया है। तो यहाँ पर मैं बाली में जो झुमके लटकते हैं वो पेंट कर रही हूँ व्हाइट कलर की हेल्प से। एंड इसके बाद मैं इसमें ब्राउन कलर से हाइलाइट्स ऐड करूंगी आउटलाइन बनाते हुए। एंड यहाँ पर मैंने ब्राउन और व्हाइट कलर को थोड़ा सा मर्ज किया है एंड इसके बाद मैं थोड़ी बहुत हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ येलो ऑकर एंड ब्राउन की हेल्प से। एंड बाली वाले पार्ट में हम हेयर पेंट करने के बाद थोड़ी बहुत डिटेल्स और ऐड करेंगे एंड फाइनल टचअप देंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरा ईयर पेंट कर रही हूँ वही सेम प्रोसेस के साथ। कोबाल्ट ब्लू हुई लिया है मैंने पहले एंड देन रेड अप्लाई कर रही हूँ मैं एंड जहाँ डार्क टोन से वहाँ मैं ब्लैक कलर से हाइलाइट्स दूँ एंड थोड़ा सा वाटर की हेल्प से रेड और ब्लैक को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ब्रश को वाटर में डिप करने के बाद आप हमेशा ये याद रखें कि आप उसे कपड़े से पोंछ लें थोड़ा सा,
ताकि कम अमाउंट में काफी वाटर आए, जिससे क्या है ब्लेंडिंग प्रॉपर तरीके से होगी, ज्यादा वाटर नहीं लगेगा सरफेस पर उस, क्योंकि अगर ज्यादा वाटर लग जाता है तो वो सरफेस डिस्ट्रॉय होने लगती है एंड ब्लेंडिंग जो है हमारी स्मूथ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर अब जो बाली वाला पार्ट मैं वो पेंट कर रही हूँ, प्रोसेस वही रिपीटेडली सेम है, येलो ऑकर ब्राउन एंड व्हाइट का कलर का यूज किया है मैंने एंड उन तीनों को मैंने देन मर्ज किया है एंड सिंपली मैंने व्हाइट कलर से आउटलाइन में पैटर्न बना दिया है बाली में, और सेंटर में मैंने रेड एंड ब्राउन कलर का सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब जो बाली और नथ है उसे एक लाइन बना के जोड़ेंगे, तो उसके लिए मैंने डॉट डॉट करके दो लाइनें बनाई हैं स्ट्रेट, तो इससे क्या है हमारा जो आर्टवर्क है वो देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब यहाँ नेक पार्ट की बारी है, यहाँ पर मैंने कोबाल्ट ब्लू हुई यूज किया है दोबारा से ऐसा बेस लेयर एंड इसके बाद जहाँ जहाँ डार्कर टोन है वहाँ मैं ब्लैक कलर से पेंट करूंगी एंड ब्रश को काफी लो प्रेशर के साथ यूज करना है हमें। और अब जहाँ जहाँ लाइटर टोन है वहाँ वहाँ मैं व्हाइट कलर का यूज कर रही हूँ एंड ब्लैक एंड व्हाइट को वाटर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है कलर्स को, और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर दोबारा यूज कर रही हूँ डार्कर एरिया के लिए एंड उसे व्हाइट कलर में मर्ज करते जा रही हूँ वाटर की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारा नेक पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, और अब बारी आती है हेयर्स की। तो यहाँ पर हेयर्स तो हमें मालूम है सबके ब्लैक ही होते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें ब्लैक कलर अप्लाई करना है एंड ब्लैक कलर करने के बाद हमें हेयर्स में हाइलाइट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम लोग व्हाइट कलर यूज करेंगे, उसे हेयर स्ट्रेंड्स दिखाएंगे एंड थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए हम ब्लैक और व्हाइट को मर्ज करेंगे जिससे थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट आए। एंड यहाँ पर मैंने पूरे हेयर्स एक साथ पेंट नहीं किया है ब्लैक, तो मैं पार्ट्स में डिवाइड करके पेंट करूंगी, ठीक है, एंड वैसे वैसे ही कंप्लीट करते जाऊंगी। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लू का इफेक्ट दे रही हूँ हेयर्स में, आप देख सकते हो। एंड जहाँ जहाँ फेस पर हेयर्स ड्रॉ है वहाँ वहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ हेयर्स को साथ ही साथ में, और ब्लेंडिंग का भी ध्यान रख रही हूँ कि कहाँ मुझे ब्लेंड करना है। तो बस ऐसे ही रेफरेंस को ऑब्जर्व करके कहाँ कहाँ हेयर स्ट्रेंड्स हैं वहाँ वहाँ हेयर स्ट्रेंड्स क्रिएट करने हैं हमें एंड बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हो अच्छे से। और अगर आपको पोस्टर कलर्स की प्रैक्टिस है तो आप अदर चीजें भी ऐड कर सकते हो, एलिमेंट्स वगैरह जो आप चाहो जो कि अट्रैक्टिव बना सके आर्टवर्क को और ज्यादा, तो वो एक काफी ज्यादा अच्छी चीज होगी आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने बातों बातों में दूसरा हेयर पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है, पहले ब्लैक कलर किया एंड देन व्हाइट कलर से हाइलाइट्स दिए जो कि हेयर स्ट्रैंड्स थे वो निकाल के लाई में एंड देन उसको मर्ज किया वाटर की हेल्प से ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स को ताकि वो रियल लगे और ज्यादा। एंड देखिए आप मैं कैसे व्हाइट और ब्लैक कलर को ब्लेंड कर रही हूँ स्मूथली कि वो एकदम रियल लग रहे हैं, ठीक है, उनका इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है देखने में। तो ये टेक्निक है एंड आपको ब्रश को कंट्रोल करना आ गया ना तो बस आप सीख जाओगे एंड काफी सिंपल टेक्निक है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखते जाओगे। और एक टिप मैं आपको दे देती हूँ, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में हेयर स्ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में आप ब्लेंड करें एंड वाटर का काफी कम यूज करें तो काफी अच्छी ब्लेंडिंग होगी। तो अब यहाँ पर मैं साइड में लीफ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, जो कि हेयर्स के पास ही थी तो मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ ये भी, तो डार्कर एरिया था तो मैंने कवर अप कर लिया इसी टाइम एंड सिंपली मैंने लीफ ड्रॉ करने के लिए केवल डार्क ग्रीन कलर यूज किया है एंड थोड़ा बहुत ब्लैक कलर यूज किया है हाइलाइट्स के लिए। एंड यहाँ पर मैं सिंपली दोबारा से हेयर्स ड्रॉ कर रही हूँ, पहले मैंने ब्लैक कलर किया है एंड देन व्हाइट कलर किया है एंड देन मैं मर्ज कर रही हूँ उन कलर्स को दोनों को एंड कुछ कुछ जगह पर मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर दिया है क्योंकि लीफ है बीच में तो उनका थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है, वो थोड़ा बहुत दिख रही है तो मैंने उस हिसाब से कर दिया है। एंड सॉरी वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं होगा क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम अल्सर्स, तो बोलने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम पे, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों को। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो हेयर्स पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाले हैं और प्रोसेस वही है सेम रिपीटेडली, तो बताने की इतनी जरूरत नहीं है मुझे दोबारा से।
कि वही ब्लैक कलर किया है एंड देन व्हाइट कलर किया है एंड ब्लेंड किया है, एंड कुछ पार्ट मैंने ग्रीन किए हैं क्योंकि लीव्स हैं। एंड यहाँ पर मैं अब लीव ड्रॉ कर रही हूँ, तो बेस लेयर मैं यहाँ पर डार्क ग्रीन दे रही हूँ पहले, एंड देन थोड़ा बहुत ब्लैक से करूंगी। जहाँ डार्कर टोन है वहां मैंने ब्लैक कलर यूज किया है एंड देन व्हाइट कलर यूज किया है एंड येलो भी मैंने यूज किया है कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो मैं येलो भी यूज कर रही हूँ। तो अच्छा देखो यहाँ पर सीन क्या हुआ, मुझे ये जो इफेक्ट है लीफ वाला मुझे इतना पसंद नहीं आया पर्सनली, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ चेंजेस करने का सोची एंड फिर मैंने ये चेंज कर दिया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था। एंड सॉरी मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट था। एंड सच बताऊं अब जो लीफ में इफेक्ट आया है ना उसने आर्टवर्क में एक जान डाल दी है, जो रियलिटी में दिख रहा है ना ये और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसलिए मुझे भी नहीं मालूम था कि इतना अच्छा इफेक्ट मिलेगा मुझे और इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी आई वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड आई वाज जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो, मुझे नहीं मालूम था मैं क्या कर रही हूँ। एंड मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड का बटन दबाना ही भूल गई, तो है ना मजे की बात। बट डोंट वरी, मैंने जो राइट साइड वाला लीफ है वो रिकॉर्ड करके रखा है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा मैंने कैसे ये इफेक्ट क्रिएट किया। एंड ये वाला हेयर्स का पोर्शन बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, मैंने काफी सारे डिटेल्स ऐड करे बाद में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग राइट साइड में हेयर्स के, तो वही ब्लैक कलर करना है पहले बेस लेयर, ठीक है, और स्मॉल पोर्शन में मैं कर रही हूँ ब्लैक हेयर, ठीक है। जिससे एक्चुअली मैं स्मॉल एरिया क्यों ले रही हूँ, द पॉइंट इज दैट कि वो जो ब्लैक कलर है ना वो गीला रहेगा एंड ब्लेंडिंग अच्छी होती है उस टाइम पे, ठीक है। उसी टाइम पे मैं वाइट कलर भी अप्लाई कर रही हूँ तो मर्ज करने में इजी रहता है, ठीक है। एंड ब्लैक कलर गीला रहेगा का मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ है, क्योंकि समर है एंड फैन ऑन है तो वो थोड़ा ही सूख पाता है एंड उसमें ब्लेंडिंग काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं स्मॉल पोर्शन में कम्प्लीट कर रही हूँ। बाकी आप जो एरियाज ड्राई हो जाते हैं वहाँ आप वाटर का यूज कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ब्लेंडिंग के लिए, जिससे रियलिस्टिक इफेक्ट आए एंड प्रॉपर हमारे हेयर्स दिखें अच्छे से। तो बस ऐसे ही हमें पूरा हेयर पोर्शन कम्प्लीट करते जाना है। एंड देखिए अगर आपको थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगी है बनाने में एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा केवल सब्सक्राइब करने में एंड वीडियो को लाइक करने में। एंड अगर आपको थर्ड पार्ट इसका वॉइस ओवर में चाहिए मेरी ही एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड वीडियो का थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी आप लोग सीखे हो इससे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हो या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और बाकी आप लोग यहाँ से सीख के रिक्रिएट करते हो ये आर्टवर्क तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, ठीक है। एंड देखिए एक्सपेरिमेंटेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेशली आर्ट फील्ड में, ठीक है। फिर चाहे आप एक बिगनर हैं या आपने किसी स्पेशलाइज्ड मीडियम में मास्टरी हासिल कर रखी हो। अभी यहाँ पर मैंने जो पहले लीफ क्रिएट करी थी तो मुझे लगा मुझे कुछ और करना चाहिए ट्राई, ठीक है, एंड मुझे वो इफेक्ट नहीं मिल रहा था तो मैंने ये आइडिया लगाया कि मैंने रियल लीफ रख दी एंड जो पहले मैंने ग्रीन कलर से लीफ को प्रिंट किया एंड देन मैंने येलो कलर किया एंड देन मैंने व्हाइट कलर से किया एंड जब तक मुझे वो इफेक्ट नहीं मिल गया तब तक मैं उसको प्रिंट करते गई एंड जब तक मुझे वो इफेक्ट नहीं मिल गया तब तक मैंने उसको प्रिंट किया, ठीक है। एंड अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है जब ये इफेक्ट आया तब,